बिल्कुल तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मेथड, प्रोटेक्शन मेथड की हाउ कैन प्रोटेक्ट योर एक्सेल फाइल सीट सेल रेंज। तो प्रोटेक्शन को हर एंगल में कैसे यूज किया जाता है आज हमारी इस क्लासेज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और हम कोई एक एक्सेल फाइल को लेते हैं, कोई भी एक एक्सेल फाइल हम यहां से उठा लेते हैं। उसके बाद हम यहां पे एक छोटा सा डेटा डेटा बना देते हैं ताकि हम बता सके कि डेटा चेंजिंग क्या होता है। अब जान लीजिए मुझे इस डेटे को किसी को प्रोटेक्ट करने से, अपने किसी से चेंज करने से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। हमें चाहते हैं कोई भी पर्सन इसमें किसी तरह के चेंजिंग कर सके, तो क्या करें इसके लिए? सिंपल सी फाइल प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमने सीट के ऊपर राइट क्लिक किया और यहां से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया। आप यहां से भी कर सकते हैं या दूसरा तरीका है, आप यहां फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेट में आपको यहां पे प्रोटेक्ट शीट यहां से भी कर सकते हैं। और तीसरा आप यहां जाएंगे रिव्यू में, जी हाँ रिव्यू टाइम में जाएंगे तो यहां आपको प्रोटेक्ट शीट मिलेगा, तो आप यहां से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बिल्कुल। तो इन सारी जगहों से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट किया और यहां पे आपने पासवर्ड डाला। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, लेकिन पासवर्ड को कंफर्म करने से पहले एक चीज देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ने यहां आपको सिंपल एक वार्निंग दिया है कि इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट योर द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो पासवर्ड डालने से पहले इस चीज का ध्यान आप रखिएगा कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं अगर आप भूल जाते हैं तो पासवर्ड वो फाइल आपको रिकवर या पासवर्ड रिकवर होके नहीं आएगा, सिंपल तरीके से। लेकिन तरीके हैं, आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे पासवर्ड क्रैकर मिल जाएंगे क्रैक करने के लिए, लेकिन वो पासवर्ड क्रैकर सुटेबल नहीं है क्रैक करने के हर फाइल को, क्योंकि पासवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बहुत सारा लेंथी पासवर्ड डाल रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डाल रखा है, तो फिर वो आपको नहीं करेगा, नहीं क्रैक कर पाएगा। तो ए आप आशा मत रखिए कि मेरा कोई भी पासवर्ड क्रैक कर दिया जाएगा, ये मुश्किल है। माइक्रोसॉफ्ट साफ मना करता है कि मैं करूंगा ही नहीं। और अल्टरनेट सोर्सेज है, लेकिन अल्टरनेट सोर्सेज 100% दावा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल समझ गए जी। तो पासवर्ड में यहां पे कंफर्म करता हूं, एंटर करता हूं। अब यहां पे अब मैं अपने फाइल के किसी भी तरह के चेंजिंग करूंगा तो यहां पे चेंज नहीं होगा, क्लिक कीजिए टाइप कीजिए नहीं होगा राइट। लेकिन इसके इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी और शीट पे मैं आसानी से पेस्ट कर सकता हूं। सो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा को कहीं भी पेस्ट ना कर सकूं, कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके। सो कॉपी को डिसेबल करना चाहता हूं मैं। तो पहली चीज जान लीजिए, कॉपी को डिसेबल नहीं किया जा सकता। ओके, समझ आया आपको? नहीं, क्योंकि कंट्रोल सी को डिसेबल एक्सेल नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल सी नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेल, ये विंडो का पार्ट है। अब विंडो डिसेबल करेगा तो पूरा को डिसेबल करेगा ना सर, तो इन नहीं कर सकते। तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि कॉपी करने के लिए रिक्वायर क्या है। सिलेक्ट को करेंगे, सिलेक्शन को। जी हाँ, सिलेक्शन बगैर, जी हाँ बगैर सिलेक्शन किए हुए हम कहीं से कॉपी नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, तो हम सिलेक्शन हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? जब हम पासवर्ड यहां पे पहले तो अनप्रोटेक्ट करता हूं मैं वापस पासवर्ड डालता हूं। तो पासवर्ड डालते समय यहां पे लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब कि इसमें आफ्टर द प्रोटेक्शन इतने सारे फीचर्स यू कैन असाइन कर सकते हैं यूजर को, मतलब कि इसको अनेबल रख सकते हैं, पासवर्ड से बाहर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, पासवर्ड डाला, ओके किया,
तो अब मैं कुछ चेंज तो नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं फॉर्मेटेड इन सेल। तो उसी तरह से यहाँ आपका डिफॉल्ट होता है सिलेक्शन, कि हम पासवर्ड डालने के बाद किसी भी एरिए को सिलेक्ट किया जा सकता है। सो मैं सिलेक्शन यहां से रिमूव कर देता हूँ, चेकबॉक्स मैंने हटा दिया। अब इसमें लॉक सेल अनलॉक सेल क्या है, तो लॉक अनलॉक के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, फिलहाल इसको समझ जाइए सिलेक्शन है। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी किसी तरह का सिलेक्शन नहीं कर सकते। किसी ने कंट्रोल सी प्रेस भी किया तो एक सिंगल सेल जो पासवर्ड डालते समय जिस सेल पे क्लिक था वही कॉपी होगा, तो एक ब्लैंक सेल पे आप क्लिक कर दीजिए, आप ब्लैंक सेल पर क्लिक करके क्या कर लेंगे? क्लियर है? बिल्कुल। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ब्लैंक सेल के बाद, जो हमारा ब्लैंक सेल है उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, मतलब कोई भी एक एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी इस पर्सन इस एरिया पे टाइप कर सके, मैं प्रोटेक्ट ना हूं। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम यहां सबसे पहले आपको बताते हैं कि हर सेल जो हम प्रोटेक्ट करते हैं तो कैसे प्रोटेक्ट होता है। प्रोटेक्ट करते समय सिंपल सा लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। अब लॉक अनलॉक क्या आता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो राइट क्लिक करता हूं किसी भी सेल के प्रोटेक्ट सेल के ऊपर, और यहां फॉर्मेटिंग में यहाँ पे प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन टाइप पे लॉक पे क्लिक होता है। डिफॉल्ट सेल आपका लॉक्ड पे क्लिक है, मतलब हर एक सेल को लॉक्ड रखता है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, समझिए प्रोटेक्शन का समर्थक है। ठीक है मैम, तो जिस सेल पे लॉक्ड पे क्लिक है उस पे पासवर्ड अप्लाई होगा, जिस पे क्लिक नहीं उस पे पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि लॉक्ड पे क्लिक है मतलब कि लॉक्ड हो गया, ये लॉक्ड नहीं हुआ है, ये लॉकिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, लॉक जब होगा तो ये उसको ले लेगा और अपने आप को लॉक कर लेगा, जब पासवर्ड हम डालेंगे तब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कलर्ड एरिया को राइट क्लिक किया, नहीं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रोटेक्शन सीट, सॉरी गलत बोल गया, पहले तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा फॉर्मेट सेल में जाके, इसको हमने चेक करके अनलॉक अनचेक कर दिया तो ये एरिया अनलॉक्ड हो गया, मतलब ये प्रोटेक्शन का समर्थक नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, अनलॉक सेल हो गया। जब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा कि पूरा एरिया अनलॉक लॉक्ड है बट ये एरिया हमारा अनलॉक्ड होगा। अब मान लीजिए मुझे इसी का उल्टा करना है, हम चाहते हैं कि मेरा इस रेड एरिया लॉक्ड रहे बाकी सारा एरिया अनलॉक्ड रहे, सिर्फ इस रेड एरिया को मैं लॉक्ड रखना चाहता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन और ए के ऊपर पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इसमें से इस लॉक्ड को हटा देंगे। अभी ओके करने पे क्या होगा कि ये जो कलर्ड एरिया है इंक्लूडिंग दिस कलर्ड एरिया, हमारा पूरा सिस्टम लॉक्ड हो जाएगा, पूरा सेल अनलॉक हो जाएगा, सॉरी पूरा सेल सीट जो अनलॉक हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस कलर एरिया। लेकिन अगर मैं इस सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया तो क्या हुआ कि अभी पासवर्ड डालने पे सिर्फ एक कलर एरिया ही अनलॉक्ड है, बाकी पूरा एरिया अनलॉक्ड है। बिल्कुल, जब मैं पासवर्ड डाल के ओके करूंगा तो मैं कहीं भी टाइप कर सकता हूं बट यहां नहीं। अब यहां पे सवाल आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, हाउ कैन अप्लाई इन द ऑफिस। तो यहां पे हम नेम एक छोटा सा रिपोर्ट बनाते हैं, नेम क्वांटिटी एमआरपी, मैंने यहां पे अमाउंट दिया, यहां पे जीएसटी देता हूं, यहां पे हम कमीशन देता हूं, देन टोटल, उसके बाद डेट एंड टाइम और भी एंट्री है, मतलब समझ लीजिए। तो जी अमाउंट है एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है,
जीएसटी जो है इसका 18% है, कमीशन इसका 2% है, एंड फिर टोटल इन सबका टोटल है, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। तो अभी जब मैं एंट्री करता हूं, जैसे मैंने यहां पे नेम लिखा, यहां पे वैल्यू लिखूंगा, और जैसे टैब मारूंगा आप देखेंगे कि अमाउंट, जीएसटी, कमीशन, टोटल, ये सारे के सारे को पार करके कैलकुलेट हो गया। इसको पार करके फिर डेट एंड टाइम आएगा। मतलब क्या होता है कि मुझे डेट एंड टाइम एंट्री करने के लिए 4 सेकेंड वेस्ट करने होते हैं एवरी टाइम। जब मैं इसको टैब कर्सर मारता हूं तो यहां आता है। मैं चाहता हूं कि मुझे जब इस पर एंट्री करना ही नहीं है तो सीधे मैं कर्सर यहां से यहां जंप करे। मतलब कि मुझे जिस जिस सेल पे एंट्री करनी है, जिस जिस कॉलम में एंट्री करनी है, मेरा कर्सर उसी कॉलम की तरफ मूव करे, कहीं और मूव ना करे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल और इसको अनलॉक कर देते हैं। तो अभी मेरा एक ए भी अनलॉक हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और वापस फॉर्मेट सेल में इसको लॉक कर देता हूं। तो अभी क्या हुआ कि इन चारों कॉलम के अलावा पूरा एरिया अनलॉक्ड है, ये सिर्फ लॉक्ड। जब मैं इस पे पासवर्ड प्रोटेक्ट शीट करूंगा, पासवर्ड डालूंगा, तो यहां पे आता है सिलेक्शन मेथड। इसमें मैंने बोल दिया कि सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर दिया। हमने बोला कि जिस जो अनलॉक्ड है, जिस पे हम टाइप कर सकते हैं, वही सिलेक्ट हो, बाकी एरिया सिलेक्ट ही ना हो। फिर मैं इसको ओके किया। अब देखिए, अब मैं यहां पर टाइप करता हूं, मैंने यहां पे नीतू और टैब प्रेस किया और यहां बढ़ गया। ठीक है ना। तो अब मेरा कर्सर जो है इन पे आएगा ही, ठीक है सर, सीधे जंप कर जाएगा। इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ कि हमारा टाइपिंग में स्पीड बढ़ जाएगी, हमारा फॉर्मूला सिक्योर होगा, समझे ना। मैं फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकता, फॉर्मूले को देख नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बार बताइए, क्वेश्चन है, आप जब डेट या टाइम टाइप कर रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे, इतना जल्दी आ रहा था? मैंने कि आगे शॉर्टकट प्रेस किया था। मैंने आपने शॉर्टकट नहीं लिखा है क्या अभी तक? ट्रेन डेट प्रेस करने के लिए कंट्रोल कॉलन होता है। अच्छा, सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। ओके, मुझे पता नहीं था ये। चलो गुड, सेमी कॉलन होता है ना, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन होता है, सेमी कॉलन। ओके, इसके सेमी कॉलन के लिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपको, आप एक काम कीजिए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेल हेल्प पे जाइए, वहां पे शॉर्टकट टाइप कीजिए, वहां पे पूरे शॉर्टकट लिस्ट आ जाएगा सर। ओके ओके, ठीक है, हम बताता हूँ। यहाँ पे हेल्प पे खुलिए शॉर्टकट, आपने बताया था ये बात, सही बात है। हाँ, तो उस पे आगे शॉर्टकट को सर्च कीजिए ना, तो पूरा का पूरा शॉर्टकट लिस्ट आपको दिख जाएगा, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए वर्कस्टेशन पे, क्योंकि याद करने से कुछ नहीं होगा, आप उसको रट्टा मार के याद नहीं कर सकते, उसको यूज करेंगे तो ये मेमोराइज होगा। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल जी। अब जैसे कि इसी का एक एग्जांपल करना चाहता हूं कि मेरे पास एक फॉर्म है, तो फॉर्म में ऐसा होता है ना कि जैसे आपने यहां टाइप किया या दूसरी चीजें आपको नीचे या कहीं और टाइप करनी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर वहीं पे मूव करे जहां पे मुझे टाइप करना। बिल्कुल। तो आप कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर लें, या जिस जिस कलर को एरिया को करना है उस एरिया को कर लें, फिर उस पर राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेल और इसकी लॉक्ड को हटा दे। लॉक्ड हटाने से क्या होगा कि इस पे आप किसी भी इसी तरह की टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, क्या अनलॉक करने से टाइपिंग कर सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद भी? हाँ। फिर आप पासवर्ड डालते समय यहाँ पे सिलेक्ट अनलॉक सेल को यहां से अनचेक कर दीजिए। सॉरी
लॉक्ड पर चेक कीजिए, अनचेक इसको दोनों कीजिएगा ना तो कहीं सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट अनलॉक सेल रहने देता हूँ, सिलेक्ट लॉक सेल को हटा देता हूँ एंड पासवर्ड डालिए एंड ओके कीजिए। मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ हमेशा, आप पासवर्ड डालिएगा ठीक है ना। ठीक है, तो मैं कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं नहीं जाएगा। मतलब माने अगर नाम मान लीजिए मैं नाइन टाइप किया इंदर और एंटर प्रेस किया तो कर्सर सीधे आगे आ गया, यहाँ पे जंप कर गया। समझ आ गया आपको सर? ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मुझे एक ही सीट पे दो डिफरेंट डिफरेंट एरिया चाहिए। मतलब कि तीन में कर देता हूं यहां पे, क्या तीन से ज्यादा भी कर सकते हैं? ये आपका बी कॉलर, ये आपका मान लीजिए मिस्टर ए है, ये आपका मिस्टर बी है, ये आपका मिस्टर सी है। मैं चाहता हूं कि इन तीनों के अलावा कहीं और टाइप ना, लेकिन तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड हो। मतलब एक आपके पास फाइल है जिससे तीन लोगों से आपको इनपुट लेनी होती है, आप चाहते हैं कि ये तीनों को मैं लोकेशन डिफाइन कर रखा है और तीनों उसी पे लोगे एंटर करें, इसके अलावा कहीं और एंटर ना करें और तीनों अपने अपने एरिया पे एंटर कर पाए। बिल्कुल, इसका यूज मैं अपने ऑफिस में करता था 2007 में। मैं सिटी फाइनेंशियल के लिए काम करता था, कलेक्शन एजेंसी थी वहां पे। तो वहां पे जो था मैं कैश क्रिमिनेटर था, मतलब कि जो पैसा जमा हुआ है और जो प्रोसेस हुआ है उन दोनों के बीच में मैं हम लोग करते थे। तो क्या करती थी कंपनी, जो लोन की जो चेक बाउंसेस हो जाते थे उनकी जो मैनुअल कलेक्शन होती थी उसके आगे फिलोसफी को भेज के पैसा कलेक्ट करवाते थे। तो सबसे पहले महीने में डंप आता था, डेटा का डंप आता था, मतलब कि इन लोगों का चेक बाउंस हुआ है। फिर वो डंप टेलीकॉलर को असाइन हो जाता था डिफरेंट डिफरेंट एरिया उनके हिसाब से। टेलीकॉलिंग क्या करती थी, कॉल करती थी उनसे पी टू पी, माने प्रोमिस टू पे लेती थी, मतलब किस डेट को इस ग्रुप को भेजना है वो डेट लेती थी। फिर उस डेट वो उस डेट से एक दिन पहले वो आता था कलेक्शन टीम के पास। कलेक्शन टीम फिर एग्जीक्यूटिव को असाइन करता था कि हाँ इस कस्टमर के पास ये बंदा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेटर टीम होता था जो फील्ड एग्जीक्यूटिव और कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करता था और देखता था कितना पैसा कस्टमर ने दिया और किस फील्ड एग्जीक्यूटिव में लिया, ताकि कोई दूसरा बंदा जाके फ्रॉड ना कर दे। या फिर कस्टमर ने कितना दिया टेलीकॉल को पता चल जाए। फिर वो आता था कैश कलेक्शन, कैश लेके कैश कलेक्शन के पास वो उस कस्टमर के बिहाफ पे कैश कितना अमाउंट कलेक्ट किया, कलेक्ट करके बाकी ये डाल देते। फिर वो जाता था बैंक को जो कि कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होता था, क्योंकि ई काम एजेंसी करती थी। फिर वापस आता था सिटी फाइनेंशियल के पास बैंक में, जहां पे पैसा जमा होता था उन कस्टमर्स के अकाउंट्स में, लोन अकाउंट्स में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, अब फील्ड एग्जीक्यूटिव क्या करते थे, उसकी टीम क्या करते थे कि वो कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर देते थे। कस्टमर बोलते थे सर आज हम नहीं आ पाएंगे, कल आ जाए या परसों आ जाए, कस्टमर का ठीक है आ जाए। अब एक फील्ड एग्जीक्यूटिव और कस्टमर के बीच का कोऑर्डिनेशन होता था, ठीक है। अब वो क्या करते थे कि वो डाल देते थे अपने हिसाब से डंप डेटा जो होता था, क्योंकि डेटा एक ही डेटा सारे पीसीबी से होता था। तो वो अपने कॉलर में क्या, वो क्या करते थे कि प्रोमिस टू पे डेट को चेंज करके डाल देते थे। और हमें जो रिपोर्ट आती थी वो मैनुअल रिपोर्ट हर दिन आती थी, हमें पूरा डंप नहीं आता था। हमें कितना पैसा टेलीकॉलिंग टीम बोल देती थी अपना डेटा कि भाई इतने लोगों से पैसा कलेक्ट करना है। फिलोसफी वाला डेटा भेजता था कि इतने लोगों के पास पैसा कलेक्ट हुआ है, और कैश वाला भेजता था कि इतने लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है। जब उसको हम डंप के साथ मैच करते थे तो अनमैच हो जाता था। अच्छा, फिर टेलीकॉलिंग टीम को बोलते थे तो बोलते मैंने तो ये डेटा भेजा है, मेरा इतना है। फिर फिलोसफी वाले बोलते थे कि मेरा इतना है। तब पता चलता था बाद में कि दोनों का डेटा मैच करता था, पता चलता था अच्छा यहाँ पे डेट चेंज कर दिया गया, मतलब कि टेलीकॉलिंग के हिसाब से ये पैसा आज कलेक्ट होना चाहिए, फील्ड के हिसाब से पैसा कल कलेक्ट होगा अब इसी में हमारा काफी टाइम वेस्ट होता था। ऐसे जो है हर दिन जो है 10-15 केसेज हो जाते थे, 20 केस हो जाते, कभी कभी ज्यादा होते थे, तो हमारा रिपोर्ट और बाकी कोऑर्डिनेशन में काफी दिक्कत हो जाती थी।
क्योंकि पैसा कस्टमर से अगर उठ गया है तो कैश सेंटर में जाना चाहिए, बीच में नहीं रहना चाहिए। बीच में रहा मतलब कि कंपनी हमसे क्यों रहे पैसा लेके हो। तो हमने वो फाइल को लिया और फुल फाइल को हमने तीनों को लॉक लगाया और बोला कि तीनों आदमी का पासवर्ड आपके पास अलग अलग रहेगा। अगर आप दोनों ने एक दूसरे का पासवर्ड शेयर किया तो फिर आप लोगों के जो है वार्निंग लेटर इशू कर दी जाएगी। मतलब कि आपकी कॉलन में टेलीकॉलिंग वाली जो फील्ड है, P2P है, वो फील्ड है तो सिर्फ टेलीकॉलिंग टीम ही एंटर कर पाएगी। अगर फील्ड एग्जीक्यूटिव है तो फील्ड एग्जीक्यूटिव एंटर कर पाएगी। अगर कस्टमर डेट चेंज करता है तो आपको टेलीकॉलिंग टीम को इन्फॉर्म करना है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, क्योंकि फिर वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट और ट्रैकिंग वगैरह में दिक्कत होता है। हमने फाइल ऑटोमेट किया था और एक ही फाइल पे हम सब टीम से काम करा रहे, इसलिए ना कि हाँ अलग अलग डेटा हमें स्टोर ना करना पड़े। और हर दिन मेल पे डेटा हम लेते हैं ताकि हम हमारा डेटा अगर लॉस्ट होता है या फिर डेटा में कुछ गड़बड़ होती है तो हम मैच कर सके। तो यहाँ पे कैसे किया था वो हम आपको बताते हैं। तो हमने क्या किया, और ये स्टोरी बताने के पीछे पर्पस क्या था, क्योंकि हमने इसको यूज करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इसलिए मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ। आपको बोर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर एक ही फाइल पे कई लोगों से काम करवाते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई ये फाइल, ये डेटा इसका ना चेंज करे, एक हर कोई अलग अलग के लिए यूज किया गया है, तो इस तरह के फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको रिव्यू में। रिव्यू में आइए, रिव्यू में आने के बाद यहां आपको दिखेगा अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज पे जाइए, यहां न्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहां पे रेंज वन है, इसके जगह पर आप ABCD कर सकते हैं, हमने A कर दिया और यहां पे अपना एक पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड कंफर्म किया, देन ओके। तो वापस न्यू पे क्लिक किया और यहां से हम रेंज को चेंज करेंगे, हम बी वाले सेक्शन का रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे हम अलग पासवर्ड रखेंगे, यहां पे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। फिर न्यू पे क्लिक किया, अब यहां पे हम सी वाले को सी दे दिया और फिर वापस सी वाले का रेंज को चेंज कर दिया और यहां पे सी वाले का पासवर्ड दे दिया, देन ओके, पासवर्ड को कंफर्म किया, then apply and okay कर दीजिए। लेकिन अभी कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप सीट को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट सीट, then okay। अब मैं यहां पे कोई चेंज नहीं कर सकता, बट जैसे यहां चेंज करने जाऊंगा मुझसे पूछेगा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया तो मैं यहां चेंज कर सकता हूं। कब तक? जब तक कि मैं फाइल को रीओपन नहीं कर रहा हूं। रीओपन करूंगा, अगेन पासवर्ड पूछेगा, फिर वापस जैसे इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इसका पासवर्ड, इस पे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए वाला पासवर्ड डालूंगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस पे मुझे मिस्टर बी का पासवर्ड डालना होगा, ऐसे सीखिए पासवर्ड। तो ऐसे आप मोर देन वन एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड अप्लाई कर सकते, ठीक है सर? बिल्कुल। तो ये थी सेल्फ प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं सी प्रोटेक्शन की। मतलब कि अब हम मान लीजिए कि आपका डेटा तो नहीं चेंज कर पाएगा, कोई पूरी पूरी सीट को डिलीट कर सकता है ना सर, पकड़ेगा डिलीट मार दे। मतलब मैं कोई सीट डिलीट ना कर सके, मैं सीट के ऊपर स्ट्रक्चर को मैं चाहता हूं लॉक करना। तो यही तो आपको दिखेगा रिव्यू टैब में ही प्रोटेक्ट वर्क को, इसमें आप पासवर्ड डालें, कंफर्म करें। अब आपका सीट का स्ट्रक्चर डिसेबल हो गया, आप ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, ना हाइट एंड हाइट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपका लॉक्ड हो गया। लेकिन फाइल तो ओपन होगी ना सर, आप चाहते हैं फाइल ऐसा कुछ करना कि कोई पर्सन मेरे फाइल को ओपन भी ना कर सके, कोई पर्सन फाइल को ओपन भी ना कर सके, तो उस केस में आप फाइल को लीजिए C
सेव एज कीजिए। अगर फाइल बिल्कुल नई है, अभी तक उसको आपने भी सेव नहीं किया है, कहीं पे लोकेट नहीं किया है, तो आप सेव करते समय यहाँ जो सेल्स का जो ये पॉपअप आएगा ना सर, जहाँ पे नाम और बाकी चीज देते हैं, तो यहाँ का टूल्स आ रहा है वो विंडोज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट विंडो में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आता है, वहां पे जाइए जनरल ऑप्शन दिखेगा टूल्स पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे पासवर्ड ओपन एंड पासवर्ड मॉडिफाई दोनों दे सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। है सर, डाल दीजिए, ये आपकी फाइल की ओपनिंग पासवर्ड हो गई। पासवर्ड डालते ही आपका फाइल ओपन होगा। अगर आपने रीड पासवर्ड टू मॉडिफाई भी सेट कर रखा है, तो आप जब मॉडिफाई पासवर्ड डालेंगे तभी वो सेव होगा, अदरवाइज रीड ओनली मोड में रहेगा। ठीक है, लेकिन बात आती है इसके लिए फाइल को सेव एज करने की जरूरत है। तो नई फाइल है, अभी जस्ट आपने क्रिएट किया है तो आप कर सकते हैं, बट कोई पुरानी फाइल है तो क्या करेंगे उसके लिए? कोई पुरानी फाइल है तो उसको तो ऐसे नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि जो पुरानी फाइल है उससे हो सकता है एक दो फाइल लिंक हो, चाहे एक फाइल किसी और से लिंक हो, सेव एज करते थे कॉपी बन के अलग हो जाएगी ना, तो हो सकते हैं वो लिंक ब्रेक हो जाए, उसकी एक कॉपी बन जाए, मैं कॉपी बनाना नहीं चाहता हूं क्या? अगर तो उस केस में फाइल को बगैर सेव, हाँ उसकी कॉपी बनाना नहीं चाहते ना, जैसे इस फाइल में सेव एज करूंगा तो 13 की कॉपी बन जाएगी ना सर, तो उस केस में हमारे पास यहाँ फाइल मेनू मार्क दिख रहा होगा ना, उसमें आपको दिखेगा इन्फो, इन्फो दिखा, इन्फो में यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कौन कौन से फाइल लॉक्ड है क्या लॉक्ड नहीं है। इसी में अगर इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, उस पर क्लिक कीजिए आप, और क्लिक करने के बाद इस पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, ये आपकी फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डल जाएगी, वो भी फाइल को बगैर सेव एज किए हुए। लेकिन अभी भी मैं फिलहाल दोबारा बता रहा हूं कि फाइल को जब आप सेव एज करते हैं या पासवर्ड, फाइल को अगर पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड ऐसा डाले जो आपको याद रहे, आप भूले ना। अगर आपकी पासवर्ड भूल जाती है तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। और आपका फाइल, आपको ऐसा लगता है कि अगर फाइल कोई पासवर्ड रिकवर कर सकता है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, 8 to 15 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक और अपर लेटर लोअर लेटर सब मिक्स करके डाले, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको? नहीं, ठीक।